तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, राजी खुशी होंगे। माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि मैंने जब अपनी स्टोरी जो स्टॉक पे सुनाई थी, तो वहाँ पे स्टोरी कह दो या स्ट्रगल कह दो, कुछ भी कह दो, जो मैंने जो स्टॉक पे सुनाई थी, और वहाँ पे क्या है कि इतनी बड़ी वीडियो बना नहीं सकते थे, तो वहाँ पे ओनली बस सेलेक्टिव पॉइंट ही बोल पाते हैं अपन। अब वहाँ पे अपन पूरी अपनी लाइफ का सार नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स और भी आई थी जो जुड़ी हुई है स्टडी से, जो मेनली ड्रॉपर्स बच्चे के साथ होती भी है। तो आज अपन यही बातें करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे डेली कुछ ना कुछ कमेंट आता है कि भैया ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, भैया मुझे मन में डाउट आ रहा है, भैया मेरी लाइफ में ये चल रहा है, भैया मेरी फैमिली में ये चल रहा है, भैया गांव वाले ये कह रहे हैं, सोसाइटी वाले ये कह रहे हैं, उसे बहुत सारे डाउट भी है, उनको आज अपन इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं 11th 12th में था, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था कि कोचिंग कर नीट के लिए इतनी अच्छी कोचिंग करनी पड़ेगी आपको जब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने क्या कि नॉर्मल स्कूलिंग की, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, पता आपको स्कूल कैसे क्या पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ पर नॉर्मल बस पढ़ाई की, कुछ मार्क्स आए, परसेंटेज पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 12th की 12th में बन गए 82, गांव का टॉपर बन गए, खुश हो गए। लेकिन वो एक अलग चीज़ है और नीट कॉम्पिटिशन एक अलग चीज़ है। जब मैंने नीट UG कोचिंग की, तो मैंने LN ज्वाइन कर लिया था। अब देखो, स्टार्टिंग में स्कूल बाद में आप आ रहे हैं, तो आपको साइज कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सच्ची एक साल पूरी लगी, मतलब कुछ समझ भी नहीं आया, बस कि आप उस चीज़ से फेमिलियर हो पाए हो कि आपके ये सिलेबस में ये टॉपिक है और आपको ऐसे पढ़ना है। तो एक साल जब मेरे, अब हाँ, नंबर मेरे टेस्टों में 400 कुछ आ रहे थे, स्टार्टिंग में 400 आए थे, थोड़ी देर सिलेबस बढ़ा, थोड़े नंबर कम हुए, लेकिन मैं एक साल के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसमें अपन बस सीखे ही था मैं, तो मैंने अच्छा खासा सीखा। हाँ, लेकिन जब मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया, तो मैंने अच्छा किया, आराम से सिलेक्शन अपना हो सकता है, कि जो सिलेबस है ना वो नीट का इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने सेकेंड ड्रॉप में अच्छे से तैयारी की। ठीक है, बट मैंने कुछ गलतियां कर दी, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे भी करते हैं और आई थिंक तुम भी कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को मत करना। देखो, मेन गलतियाँ क्या है कि सबसे बड़ी गलती अपन करते हैं कि नीट सिलेबस का जो एक अपन बोलते हैं कौन सी बुक अच्छी रहती है, वो आपको सबको पता है कि नीट NCERT बेस्ट है। NCERT से बाहर शायद कुछ भी नहीं आता नीट में अभी कुछ सालों के अंदर, और पहले भी बहुत कम आता था, बाहर आता था जो भी। तो अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या किया कि NCERT को अवॉइड किया, बहुत कम NCERT पढ़ी मैंने। मेनली मैंने क्या किया, मैं बस कोचिंग के मॉड्यूल ढंग से पढ़ता रहा, उनको मैंने खूब पढ़ा, मतलब उनके क्वेश्चंस भी लगाना। अब देखो, अपन क्या करते हैं, कोचिंग का मॉड्यूल है ना वो बहुत बड़ा होता है, उसको अपन पूरा पढ़ लेते हैं, एंड अपन क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज लगाई अपने, सेकंड लगाई, थर्ड लगाई, एंड एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है वो अपने लगाया, और अपन क्वेश्चंस इतने कर लेते हैं हद से बाहर। अपना फिर दिक्कत क्या आती है, देखो क्वेश्चन करने की गलत बात नहीं है, अपन क्वेश्चन खूब कर लेते हैं, फिर क्या होगा, अपने पास रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा, और जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, जब तक मैं रिविजन नहीं करूंगा, मेरी कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। तो आप अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन खूब लगाते हैं, रिविजन करते नहीं है। तो मेन मेरी गलती यही थी कि मैंने सेकंड ईयर में खूब क्वेश्चन लगाए, खूब क्वेश्चन हर चीज कर ली, मॉड्यूल कर लिया, रेस थी वो कर लिया, टेस्ट दिया, टेस्ट के क्वेश्चन खूब सारे कर लिए, और कहीं से मटेरियल मिला वो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन लगाना एक अलग चीज है, क्वेश्चन लगा के रिविजन करना वो अलग चीज है। तो मेन गलती कि मैंने रिविजन नहीं किया। दूसरी बात, एक अपन जो मैंने टेस्ट दिया ना, उसका मैंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, बस मैं क्या किया, टेस्ट दिया, घर आया, नंबर जोड़े, जुड़ गए जितने नंबर, खुश हो गया, अच्छे आए तो कमाए तो अगले बार अच्छा लाएंगे, बस ये कह के मैंने पेपर को रख दिया। मेन गलती वो थी कि मैंने टेस्ट प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। देखो, तो आपसे मैं ये कहता हूं, मेरी वीडियो में एक बात बोलता हूं मैं, कि जो लास्ट बनाई थी वीडियो मैंने पहले एक बार, उसमें लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि देखो टेस्ट देना अलग चीज है और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना अलग चीज है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपका टेस्ट दिया ना दिया बराबर की बात है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो मैंने मेन गलती किया है कि जब मैंने फिर नीट का एग्जाम दिया, तो आई थिंक मेरा पेपर अच्छा हुआ था, समथिंग मेरे नंबर आए थे 500 के समथिंग, 495 नंबर थे, बट मेरे बायो में नंबर बहुत कम रह गए थे। तो आपको पता है बायो में बिना NCERT पढ़े नंबर आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आप एडवांस पढ़ोगे ना, बट लाइन तो NCERT की आएगी, हो सकता है कि आप एडवांस पूरा कवर कर लो, लेकिन NCERT की लाइन जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपके नंबर आने के चांसेस नहीं है। तो मैंने मेन गलती है कि NCERT को अवॉइड किया, दूसरा टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया, और रिविजन ढंग से नहीं किया, और क्वेश्चन खूब लगाई,
बट ट्यूशन लगाना अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन रिविजन करना भी और भी अच्छी बात है, तो वो चीज़ मैंने नहीं की। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरे थर्ड ड्रॉप की। मैंने थर्ड ड्रॉप लिया, अब की बार मैंने सोच लिया कि अब की बार मैंने जो गलतियां की वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं वीडियो में कहा था मेरे में कि जो भी गलतियां मैंने उनको अलग से लिख लिया कि यार ये गलतियां मैं करता हूं, उनको मैं अब की बार गलतियां नहीं करूंगा और अब की बार मेरा जो भी बेस्ट ना पूरा बेस्ट दूंगा। शायद मैंने 2 साल गलतियां खूब की, वो अब की बार मैं नहीं करूंगा। तो मैंने ये चीज़ें की, गलतियां नहीं की। बट स्टार्टिंग में क्या कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो स्टार्टिंग से 2-3 महीने में डिस्टर्ब रहा। फिर एक बार मेरे माइंड में कोचिंग नहीं करूंगा मैं, अब मैं और कुछ फिट कर लूंगा कि 500 नंबर समथिंग थे, तो कहीं ना कहीं कॉलेज में जाएगी दूसरी पीडीएस वगैरह, वो मैं ज्वाइन कर लूंगा और कुछ कर लूंगा। बट यहाँ फिर मुझे समझाया कि नहीं, तू एमबीएससी करेगा तो तू वापस कोचिंग ज्वाइन कर। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की, फिर मैंने जो भी गलती लिख लिया, ठीक है ना, उनको फिर मैं स्टार्टिंग से ही इंप्रूव करता रहा और मैं खूब पढ़ता रहा, खूब पढ़ता रहा, खूब पढ़ता रहा। आई थिंक मैंने जो भी गलतियाँ की वो गलतियाँ मैंने चेंज भी की एंड मैं टेस्ट भी प्रॉपर पढ़ा, एनसेट भी अच्छे से पढ़ी मैंने। फिर देखो एक बोलते ना अपन, किस्मत भी थोड़ी साथ देना जरूरी है। मानता हूँ 99% पढ़ाई काम आएगी, लेकिन 1% जो किस्मत है ना उसका मेन रोल है। आई थिंक मेरे पढ़ाई अच्छे से नंबर भी आ रहे थे, मेरे कोचिंग के अंदर भी 600 नंबर आ रहे थे, 630, 40, 50 मेरे मेरा फ्रेंड थे, मगर दोनों के अच्छे नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो फिर ऐसे क्या एग्जाम हुआ नीट का, नीट का एग्जाम हुआ, एग्जाम मेरा अच्छा गया था, एकदम नंबर अच्छे आ रहे थे। लेकिन जब पेपर दे के बाहर आए तो खुश था, पेपर अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा से पेपर था, एनसीईआरटी बेस्ट था। एंड जब घर आके फिर पेपर मिलाया तो मेरे नंबर जुड़े 577। एक खुशी थी कि कोई ना आराम से लास्ट के टॉप 550 गई थी, सीट मिल जाएगी। बट रिजल्ट आया, रैंक आई मेरी 14,059, उस 2019 की बात है। फिर अब ठीक थी कि रैंक भी अच्छी, लेकिन चांसेस था कि उस साल उस रैंक तक कॉलेज नहीं मिलने के चांसेस थे। बट फिर भी मार्जिन पे था कि यार शायद 13,000 तक मिली थी, अपने को मिल जाएगी। फिर बेटर रहा, वेट किया, कॉलेज नहीं मिली मुझे। मॉपअप राउंड था लास्ट राउंड, तो क्या कि मैं कॉलेज गया था, तो ऐसे जो अभी मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ SMS में, उससे मेरी काउंसलिंग हुई थी। तो हम क्या गेट पे खड़े थे, ऐसे ही लाइन लगी हुई थी, मॉपअप में ऑफलाइन होता है तो लाइन लगी हुई थी। तो मेरे से 10-11 लोग आगे, मतलब कॉलेज की कट ऑफ रुक गई कि अब तुम्हारी गवर्नमेंट सीट पूरी फिल हो गई है, अब आपके पास गवर्नमेंट सीट नहीं है, आपको पेमेंट सीट लेनी है जिसकी 7-8 लाख रुपये फीस है पर ईयर की, तो आप ले सकते, रुक सकते हो वरना आप जाओ। अब देखो यार, मतलब आप खड़े हो लाइन में और आपके आगे 10-11 बच्चे हैं और आपको वहां पे सीट नहीं मिलना, आपने 3 साल मेहनत की आपको सीट नहीं मिली, आप वहां से फिर बैक आ रहे हो, मतलब एक बार देखो यार मूवमेंट कैसा हो यार, वो आपके हाथों से आपको मान लो सीट को छीन ले, आपको कैसा लगेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही मुझे लगा सच्ची कि यार मतलब कुछ नहीं रहा, अब मुझे करना ही नहीं है नीट। शायद ये चीज मेरे लिए बनी ना, एक बार माइंड में ऐसा आया। फिर मैं घर पे आया, घर वालों को बताई, अब दुखी तो बहुत था लेकिन क्या करें, अब कुछ क्या कर नहीं सकते थे ना। फिर घर पे आया, फैमिली वाले बोले कि क्या हुआ, भैया साथ गए थे मेरे, तो भैया को रास्ते बता दिया मैंने। फिर घर पे आया, पापा बोले क्या हुआ, मम्मी बोले क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, बस सीट नहीं मिली। कि क्यों, मैं कट ऑफ बस 2 नंबर आगे छूट गई थी। तो फिर मैं क्यों, फिर पेमेंट सीट मिल रही थी 7-8 लाख रुपये, तो वो इतना अपन देने लायक है नहीं, फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं अपन जो 8 लाख रुपये पर ईयर के दे पाएंगे। तो फिर तो अब क्या, अब कुछ नहीं, कोई दूसरा फील्ड देखेंगे, कुछ कर लेंगे, ये नहीं करना मुझे, अब शायद मेरा होगा नहीं यहाँ पे। बट फिर घर वालों ने बोला मुझे यहाँ पे कि एक काम कर, शायद तेरे लिए अच्छा लिखा हुआ, अभी मान ले तेरे नंबर 579 आ जाते, पता नहीं तुझे कॉलेज कहाँ पे मिलती, तेरी वहाँ पे वहाँ का तुझे माहौल कैसा मिलता और तू पता नहीं कैसा पढ़ पाता। शायद हो सके भगवान जी कुछ अच्छा चाह रहे हो तेरे लिए, शायद तेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा हो और तुझे अपनी SMS ही मिल जाए जहाँ से अभी तू घूम के आया, सीट नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है। बट फिर मेरे माइंड में एक डाउट और आया, जहाँ पे मेनली बच्चों के आता है कि मेरा अब की बार भी नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है यार अब की बार मेरा नहीं हुआ तो शायद मैं अब की बार भी 2 नंबर से चूक गया, तो 1 नंबर से फिर रह गया, तो ये डाउट सबके साथ आता है। फिर मैं देखा यार मैं जो होगा देख लेंगे, फिर मैंने वापस कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर मेरी फीस भी बहुत कम लगी, मेरी फीस लगी ओनली 10%। वापस मैंने LNE ज्वाइन की एंड मैंने पढ़ाई अच्छे से की। फिर मैं पढ़ा अच्छे से पढ़ा, देन अब की बार सोच लिया कि अब की बार या तो इस पार या फिर उस पार। अब की बार जब मुझे कॉलेज ने एडमिशन लेने से मना किया, आई मीन 2 नंबर कम रहे, तो मुझे मतलब कॉलेज ने नहीं लिया, अब की बार मैं इतने अच्छे नंबर लाऊंगा कि जिस कॉलेज ने मुझे बाहर निकाला, आई मीन जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला,
तो वो कॉलेज मुझे चूज करना पड़े कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। फिर मैं अच्छे से पढ़ा, जो मैंने और भी अच्छी ताकत लगाई, मतलब एनसेट पे मेन फोकस किया। देखो फिर मैंने क्या किया, एनसेट से पढ़ी, अच्छे से बढ़िया रिवीजन प्रॉपर किया, टाइम टाइम रिवीजन किया, प्रॉपर टेस्ट दिए। टेस्ट में जो भी गलतियां की लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टेस्ट में गलती की उसको इंप्रूव करना, इन अगले टेस्ट में रिपीट ना करना। तो ऐसे करते रहे तो क्या कि मेरे जब एलन के अंदर मेरे टेस्ट लगते थे तो मेरे नंबर अच्छे आने लग गए। फिर क्या, 3 साल हो गए थे, नंबर तो अच्छा नहीं थे, फिर अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन फिर भी देखो बहुत बार होता है कि ड्रॉप लेते हुए भी अपन अच्छा नहीं कर पाते हैं। बहुत बंदे बोलते हैं क्या तो ड्रॉप लेते तो मजे तो सब कुछ आता है। नहीं, ड्रॉपर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका जो पूरी साल में डर रहता है उसको, यार कि अब की बार भी नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। फिर बहुत बड़ा डर रहता है, सोसाइटी का डर रहता है, फैमिली का डर रहता है कि यार वो क्या करेंगे अब की बार भी नहीं हुआ तो। बट मैं क्या, जो होगा देख लेंगे, बस पढ़ना है। फिर प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ी, टेस्ट दिए, एंड जो गलतियां उनको रिपीट ना करते हुए उनको सुधारता रहा। टेस्ट में अच्छे नंबर आते रहे, 650 नंबर आते रहे। हाँ, लेकिन आज तक मेरे टेस्ट में 670 नंबर नहीं आए थे, एलन के अंदर भी 650-640 एवरेज चलते थे। फिर मैंने जो गलती की बायो में, गलती भी चेंज की मैंने, एंड अच्छे से फोकस किया। फिर मैंने एग्जाम, फिर बात मार्च की, मार्च में कोविड आ गया था, उस टाइम कुछ पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन बस मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने वही टॉपिक पढ़े कोरोना के अंदर जो मेरे वीक थे, और शायद उस टाइम मैंने टेस्ट भी बहुत कम दिए। बट जब थोड़े बहुत मैं टेस्ट किया कि मंथ में एक दो टेस्ट दे लेता था, तो फिर आखिर में 2 महीने आए थे, 2 महीने नहीं 20 दिन। उस टाइम क्या कोविड फिर भी था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था। फिर 20 दिन बाद में एग्जाम था, तो पढ़ा हुआ तो था ही, और मैंने जो मेरे टॉपिक टफ थे उनको मैं, यानी वीक थे उनको मैं अच्छे से करता रहा। फिर 20 दिन मैंने खूब तैयारी की, कुछ कुछ टेस्ट भी दिए मैंने गैप दे दे के, एंड जो रिवीजन था वो पूरा अच्छे से कर लिया, एंड जो गलतियाँ थी वो कर ली, मतलब उनको सुधार लिया। फिर एक बात आती है, जब एग्जाम था 13 सितंबर 2020 को, तो बात आती है 12 सितंबर को। सच्ची उस दिन एक दिन मेरा बिल्कुल सच्ची अब पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही उस दिन, एकदम ऐसे बिल्कुल कहूँ ना एकदम डिप्रेशन में आ गया कि यार शायद पढ़ाई तो मैंने पिछली बार भी खूब अच्छी की थी, सिलेक्शन मेरा पिछली बार भी 2 नंबर से रह गया था, और अब की बार ऐसा हो गया। तो प्लान बी को था नहीं, तो साथ में चल रहा है या पापा का बिजनेस संभाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पापा मम्मा का ड्रीम था कि यार बच्चा डॉक्टर बनेगा अपना, तभी तो मैं 3 साल लगा रहा कि यार डॉक्टर बनना ही है, फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं। तो अब देखो आप पे बिल्कुल सब कुछ टिका हुआ है, आपको कुछ करना है, तो एक तो खुद की टेंशन यार पढ़ाई भी करनी होती है, दूसरा फैमिली की टेंशन, तीसरा सबसे बड़ी कि लोग क्या कहेंगे। फिर बात आई 12 सितंबर की, टेंशन हुआ, लेकिन फैमिली ने फुल सपोर्ट किया कि बेटा देख तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में मेहनत करना था, तूने मेहनत की, तूने अच्छे से मेहनत की, तूने मेहनत तो 3 साल भी की थी लेकिन तुझे फल नहीं मिला, शायद तेरे लिए फल अच्छा लिखा हो यार, अभी तो नो टेंशन हो, खाना खा, सो, कल उठना, नहा धोना, भगवान को याद करना अपने, और एग्जाम दे के आना, सब अच्छा होगा। तो ऐसा ही किया। उस टाइम कोविड था तो एंट्री जल्दी थी, मैं जल्दी गया, एग्जाम दिया। अब 2 घंटे वहां पे एग्जाम पहले एंट्री थी, तो 2 घंटे में बिल्कुल एकदम माइंड पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा और अपने गॉड को याद करता रहा, बस जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, चुपचाप बैठा रहा वहां पे। फिर पेपर मिला मुझे 2 बजे और फटाफट पेपर किया, एंड पेपर अच्छा गया, सच्ची बहुत अच्छा पेपर गया, और पेपर मैंने टाइम से पहले भी अटेम्प्ट कर लिया। फिर एग्जाम के हॉल से बाहर निकला, एंड जब फिर मैं बाहर निकला तो एक अलग अंदर से अलग खुशी थी कि यार अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर बहुत अच्छा गया, आई थिंक मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, मेरी रैंक भी अच्छी आएगी और मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, शायद क्या पता मुझे SMS मिल जाए। बट एक डर आ रहा था पीछे से लगी कि यार पेपर तेरा लास्ट ईयर भी अच्छा हुआ था, तुझे पिछली बार भी बहुत कुछ उम्मीदें थी लेकिन तेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, और तेरा अब की बार भी कुछ मान लो गलती हो गई, आंसर्स गलत हो गए, तूने गलत पढ़ लिए, तो मैं क्या जो होगा देख लेंगे बाद में, अभी तो चलते हैं घर पे। फिर भैया मेरे साथ थे, हम घर आ गए। फिर आके शाम को समथिंग 10 बजे समथिंग आंसर किया आकाश की, तो एक बार मैंने उसको ऊपर से देख लिया, आई थिंक मेरे आंसर मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं कोरा पेपर अच्छा हुआ अपना। फिर बात आई रात को, फिर लेट आंसर किया एलन की, मैंने आंसर चेक की, मेरे नंबर जुड़े 675, अलग ही खुशी मिली कि यार अच्छे नंबर आ गए, मजा हो गया, अच्छी रैंक आ जाएगी। बट एक बार डर लगा कि यार एक बार दोबारा चेक करते हैं, तो मैंने क्रॉस चेक किया तो वही आंसर 675 जुड़ रहे थे। फिर अलग खुशी थी उस टाइम का, सच्ची उस दिन का माहौल
एकदम, मतलब जैसे बोलना कि लाइफ चेंज हो गई उस दिन से मेरी, सच्ची। हुआ तो वैसे अलग कुछ नहीं हुआ, बस कॉलेज ही मिली है, लेकिन बोलते ना कि आज तक मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने 3 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की, मेरे पास कुछ नहीं था, बट मुझे आज उसका रिफंड मिल गया, मेरे मेहनत का मुझे आज फल मिल गया, मेरे कर्मों का फल मुझे आज मिल गया, मेरी फैमिली को मिल गया, उन्होंने जो भी मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज किए वो उनको फल मिल गया। सच्ची बहुत दिक्कत होती है यार जब आप 3 साल मेहनत करो सिलेक्शन ना हो, फिर आपके बिल्कुल आपके मान लो कंधों पे सब कुछ टिका हुआ कि जो है बस आपके ऊपर ही है, तो बहुत, ये सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी टेंशन होती है, बट उससे निकलना भी एक अलग ही टेंशन होती है, एक अलग ही चीज है कि आप बिल्कुल वहां से स्ट्रांग होकर निकल रहे हो, एक वो अलग ही चीज रहती है यार, यही दिक्कतें बहुत आगे लेके निकल जाओ। फिर सब खुश हुए, पापा मामा बहुत खुश हुए, खुशी की मारे आंखों में आंसू भी आ गए, एकदम फैमिली एकदम बोल रहा हूँ ना एकदम सुपर खुश। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो रैंक बहुत हाई गई यार सच्ची। उसके पहले उस रैंक उस नंबर तक 400-500 के अंदर रैंक आती थी, बट उस टाइम रैंक गई मेरी 1212। बट कोई ना, मुझे SMS लेना था, मुझे SMS मिल जा रहा था उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने काउंसलिंग करवाई, फर्स्ट चॉइस ली मैंने SMS की, फर्स्ट फिल वही किया मैंने, एंड वही मुझे ऑलरेडी अराउंड फर्स्ट मिल गया, मैंने वही ज्वाइन कर लिया। अब आराम से देखो, मैंने स्कूलिंग भी यहीं से की, मैंने कोचिंग भी यहीं से की, अब मैं कॉलेज भी घर ही से कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अब देखो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा कि हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट यकीन माना दोस्त, खुद पे, फैमिली पे और अपने भगवान पे, अपने गॉड पे, कि जो करेंगे ना वो आपके लिए बेस्ट करेंगे यार। थोड़ा टाइम लगा, अब देखो मुझे सच्ची एक बार मुझे ऐसा लगा नहीं लाइफ में कि मुझे SMS मिल जाएगा, बट जब मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मैंने देखा हो क्या रहा मेरे साथ, ऐसे इतना भी कोई कम नहीं पड़ रहा यार, मैं खूब पढ़ रहा था, मानता हूँ 12th तक नहीं पढ़ाई की मैंने, लेकिन 12th बाद में की ना, बाद में सीरियस हुआ ना मैं यार, 3 साल पढ़ाई की मैंने, सीरियस हुआ मैं, बट फिर भी नहीं हुआ, तो एक अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार शायद तेरे लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और हाँ अच्छा लिखा हुआ था तभी तो आज अच्छी कॉलेज में हूं। तो वही है देखो, कभी क्या कि कुछ सक्सेस आपको देर से मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी ना वो लाजवाब मिलेगी, ये आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और आई थिंक ऐसा बहुत बार होता भी है, शायद आप साथ भी हुआ हुआ होगा। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बच्चे मेरे साथ मतलब मुझे बहुत बार बोले भी हैं कि भैया हमें तकलीफ होती है तो हम क्या करें। तो देखो एक चीज मैं तुमसे पहले बोल दूं कि आप हो सकता है फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर हो, फोर्थ ड्रॉपर हो, या आप हो सकता है 5 साल भी हो गए हो, आप अभी भी नीट में रुके हुए हो, आपको यकीन है कि आपको कॉलेज मिलेगी, तो हाँ यार मिल जाएगी सच्ची। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हुए हैं सच्ची, बहुत मेरे साथ के फ्रेंड्स भी हैं और मेरे रिलेटिव में या कोई जानकार भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 5th ड्रॉप में भी सिलेक्शन हुआ है, और वो एम्स के अंदर भी है, टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर भी है। ये कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता। अरे यार किसने कह दिया, हिंदी मीडियम से भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन होते हैं, नीट की बात छोड़ो, आप IAS के अंदर भी अच्छे सिलेक्शन होते हैं नीट के, हिंदी मीडियम से, और नीट में बहुत होते हैं। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे बैचमेट है जो हिंदी मीडियम के हैं, और मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनकी ओल्डर रैंक 500 के अंदर भी आ रखी है। तो हिंदी मीडियम कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी मीडियम तो बहुत अच्छी बात है यार, आप अपनी मातृभाषा से हो कोई दिक्कत नहीं यार, हिंदी मीडियम वाले घबराओ मत, अपन कर लेंगे नीट को, टॉप थोड़ी यार निकाल देंगे आराम से, कोई हिंदी वाले घबराओ नहीं, एकदम हो जाएगा अच्छे से, बस थोड़ी दिक्कत आएगी उनको हैंडल कर लेंगे। अगला एक आता है मेरे पास क्वेश्चन आया था कुछ कि 10th और 12th की परसेंटेज क्या मैटर करती है कि ना, कुछ भी नहीं करती। कुछ नीट में सिलेक्शन वाले ऐसे भी हैं जो 90+ भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो 60% पे भी है। मेरी खुद के 10th के अंदर 75 थी और 12th के अंदर 82 थी, तो परसेंटेज किसी काम ही नहीं आई, तो वो चीज है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी जिनके 90% होते हुए भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे बहुत बहुत बच्चे हैं, तो परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता। एक मेरा आता है क्वेश्चन, दो तीन मुझे पूछा कि भैया हम 3-4 ड्रॉप ले लिए, हमारी एज हो गई, अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, लगता है कि अपन इतने बड़े हो गए भी अपने MBBS सिलेक्शन नहीं हुआ और अपन कितना लेट हो जाएंगे। तो उनके लिए एक बात बोलता हूं मैं, कभी तुमने डॉक्टर को दिखाया हो तो तुमने कभी डॉक्टर की एज पूछी हो कि आप सर कितने साल के हो तो आपने ट्रीटमेंट करना। दूसरी बात, आपने कभी डॉक्टर से पूछा है कि डॉक्टर साहब आपका सिलेक्शन कितने ड्रॉप में हुआ था, 3 में हुआ कि 4 में हुआ कि 1st में हुआ या 12th के साथ हुआ, कभी नहीं पूछा ना। तो
तो फिर यार ये ड्रॉप लगते हैं, अटेम्प्ट लगते हैं, ये कुछ अपने पर्सनल अलग चीज होती है, अलग पर्सनल मैटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो कट ऑफ हाई रहती है, दूसरा बच्चे 22 लाख 23 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लाख का होगा, तो बाकी 21 लाख बच्चे ड्रॉपर रहेंगे ना यार। दूसरी बात, अपने खुद के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कभी फैमिली में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कभी कोई ना कोई फाइनेंशियल कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो वो अलग चीज रहती है। तो देखो, एज कोई मैटर नहीं करता है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। बहुत सारे हर बैच में 250 बच्चे होते हैं, 150 बच्चे होते हैं, या 100 बच्चे होते हैं, तो उनकी सभी की एज 17 ईयर्स नहीं रहती है। हर एज वेरी करती है हर बैच के अंदर, हर बच्चों की एज अलग अलग रहती है, सेम नहीं रहती है। कुछ ड्रॉपर भी है, कुछ 12th के साथ भी है, कुछ फर्स्ट ईयर के भी हैं, कुछ सेकेंड ड्रॉप के भी है, कुछ थर्ड के भी है, कुछ फोर्थ के भी हैं, कुछ फिफ्थ के भी हैं। तो यार वो चीज मैटर नहीं करती है। और मैं एक बात कहूंगा कि यार एक बड़ा डर रहता है कि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। इसका एक आंसर बस मैं यही दूंगा कि यार देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका खर्चा कौन कर रहा है? आपकी फैमिली। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, परेशान कौन हुआ? आपकी फैमिली। जब आप नीट का पेपर देने गए, आपके साथ कौन था? आपकी फैमिली। आपके साथ अच्छा हुआ, आपके साथ बुरा हुआ, साथ कौन है? आपकी फैमिली। जब यार सर हर चीज में आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप अपने कैरियर में क्यों सोसाइटी की चिंता कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आपको वो किसी काम में नहीं आनी है सिवाय ताने मारने के। साथ में कौन? आपकी फैमिली। बस आपकी फैमिली आपके साथ है, तो क्यों डर रहे हो यार? सब अच्छा कर लेंगे, आप अच्छा कर लोगे, मुझे पता है यार। तो लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सक्सेस सबको मिलेगी। हो सकता है इतनी अच्छी मिले कि आपको उसके बारे में अंदाजा ना हो कि इतनी अच्छी सक्सेस भी मिल सकती है। तो मेरी यही है कि देखो, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, शायद आई थिंक तुम्हारे साथ भी हो ही होगी या हो सकती है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नीट ड्रॉपर भी है, तो उनके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। और आई थिंक यार वीडियो एक के लिए भी हेल्पफुल हो रहा ना। देखो मैं वीडियो बहुत बना चुका सच्ची, उनमें से वो वीडियो चाहे एक दो बंदों के लिए फायदे दे रही है ना, मुझे मेरी कीमत मिल रही है कि यार किसके फायदा हो रहा है। अब यार जो चीज अपने साथ बीत रही है उसको अपन बता दे, शायद वो किसी साथ हेल्प कर जाए, तो अच्छी बात है ना यार। इसमें कौन सा अपना पैसा लग रहा है? एकदम फ्री की एडवाइस दे रहे हैं अपन। कोई बात नहीं यार, आपके पास आपका भला हो रहा है, आई थिंक अच्छी बात है यार। कोई भी एक बच्चा भी सीख रहा है। जैसे दोस्तों की वीडियो आई थी, तो वीडियो मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और मैं हर कमेंट रिप्लाई भी किया था। चाहो तो वीडियो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है मैंने। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भैया सेम टू सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, सेम से मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आई थिंक भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो देखो वही चीज यार, देखो लाइफ में मेरे जैसे आप जैसे लाखों बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा गुजर रहा है, तो आप एकदम फ्री रहो यार, सब अच्छा होगा, आप अच्छा कर लोगे, नो टेंशन रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात मैं कह दूं कि जल्द ही मैं नीट का डिटेल में सिलेबस पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, अपन यहाँ पे PYQs भी करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए है कि मैं जल्द ही गिव अवे देने वाला हूँ, जिसमें मैं नीट PYQ की कुछ बुक्स उन बच्चों को दूंगा जो फाइनेंशियली वीक है, जो शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कोई भी बच्चे हो तो कॉन्टेक्ट में रहे, मैं जल्द गिव अवे लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।